सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं। आप सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए मैम आज आपके लिए एक और नई कहानी लाए हैं। और उस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि आज हम कौन सा अक्षर पढ़ने वाले हैं। तो कहानी शुरू करते हैं बच्चों। आज की कहानी है एक लड़के की, जिसका नाम था चंदू। क्या नाम था? चंदू। और चंदू अपने चाचा और चाची के साथ चांदनी चौक में रहता था। कहाँ रहता था? चांदनी चौक में रहता था। किसके साथ? अपने चाचा और चाची के साथ। और उन्होंने एक मुर्गी रखी थी और मुर्गी के दो चूजे थे। चूजे। चंदू को बहुत भूख लगी थी। चंदू ने अपनी चाची को बोला, चाची मुझे बहुत भूख लगी है, अभी अंधेरा भी होने वाला है, मुझे खाना दो। तो चंदू की चाची ने क्या किया? चंदू की चाची ने चक्की में आटा पीसा और रोटी बनाई। और साथ में उसने क्या बनाया पता है? चटनी। क्या बनाया? चटनी। फिर चंदू ने चपाती खाई और चम्मच के साथ चटनी भी खाई। तब अंधेरा हो गया। तो फिर क्या हुआ बच्चों, पता आपको? अंधेरा हो गया था तो चंदू ने क्या किया? चंदू चारपाई पे जाके लेट गया। किसके ऊपर लेट गया? चारपाई के ऊपर। और चंदू चारपाई के ऊपर लेटकर आकाश में चांद को देखने लगा। किसको देखने लगा? चांद को। और चांद को देखते देखते चंदू सो गया। बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? आज आपने इस कहानी में कौन कौन से शब्द सीखे? चंदू, चाचा, चाची, चांद, चारपाई, चूजे। तो बच्चों, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो कौन से अक्षर से शुरू हो रहे हैं, क्या आपको पता है? ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो च अक्षर से शुरू हो रहे हैं। कौन से अक्षर के साथ? च अक्षर के साथ। तो आज हमने क्या सीखा? च अक्षर। और च अक्षर से शुरू होने वाले आज हमने शब्द सीखे। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम च अक्षर के साथ गतिविधि करेंगे तथा इसका लिखने का अभ्यास करेंगे। तब तक आप सब बच्चे च अक्षर के साथ शुरू होने वाले शब्दों को दोहराएंगे तथा इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।